नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा में कई अहम मसलों पर बात की है। दरअसल सरकार की प्राथमिकता में हरियाणा के युवा हैं। युवाओं को दिसंबर तक 60,000 नौकरियां मिलेंगे। फिलहाल 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं 9 सालों में 1,10,000 से अधिक भर्तियां हो चुकी हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 47,40,000 को रोजगार मिला है। देखिए रिपोर्ट। मनोहर लाल ने की विशेष चर्चा। सरकार की प्राथमिकता में हरियाणा के युवाओं को दिसंबर तक मिलेगी 60,000 नौकरियां। सीएम मनोहर लाल बोले, बिना खर्ची पर्ची के मिल रहा रोजगार। 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। 9 सालों में 1,10,000 से अधिक हो चुकी है भर्तियां। निजी क्षेत्र में 47,40,000 को मिला रोजगार। दिसंबर तक 60,000 मिलेंगी सरकारी नौकरियां। सीएम को हर वर्ग का ख्याल। सीएम मनोहर लाल हर वर्ग की भलाई के लिए इन दिनों आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं। बता दें कि विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के 1 रुपए से कम वार्षिकी पारिवारिक आय वाले युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 9 साल में 1,10,000 से अधिक भर्तियां हो चुकी हैं। निजी क्षेत्र में 47,40,000 को रोजगार मिला है। मैं चिंता करता हूं कि हरियाणा के समाज के जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं, आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। विशेष चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में युवाओं को दिसंबर तक 60,000 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस योजना के लिए सरकार अंत्योदय के हक में वैसे तो कई योजनाएं लेके आई है, लेकिन अगर रोजगार की जैसी बात ये युवक को मिल जाए तो निश्चित रूप से और वो रोजगार स्वाभिमानी स्वावलंबन होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप वैसे बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं आपको बेरोजगार नहीं कहूंगा। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं, आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। मित्रों, जब भी कभी कोई साथी ऐसे अवसर से गुजरता है जब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो अपनी भागदौड़ के लिए वो रोजगार के लिए तलाश करता है, रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करता है, और जब तैयार हो जाता है तब रोजगार की चिंता भी करता है। हर युवा को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि हमारा लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है। कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों का मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया। एक बात आपको मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि आखिर इस प्रकार की योजना है ये हम कैसे बना पाते हैं। आपको ध्यान होगा हमने एक नई योजना यूनिक पूरे देश भर में हमारा अपना प्रांतीय हरियाणा जहां हमने परिवार पहचान पत्र की इस योजना को लागू किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचने का और एक रास्ता बना पाया हूं। जो लोग इस परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं वास्तव में वो इन व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत आसान तरीके से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए ऐसी एक सूची बना करके आप लोगों से बात करने का मैंने ये रास्ता ढूंढा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश आपको रहती है। पता है अपने को सबको कि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है और उसमें मेरिट अगर अच्छी आती है तब जाकर के सरकारी नौकरी किसी को मिलती है। सरकारी नौकरी बहुत अधिक लोगों को मिलना संभव नहीं होता, मात्र 5 या 6% लोगों को ही ये नौकरी मिलती है। शेष सबको भी रोजगार चाहिए तो उन रोजगार के लिए हम लोगों ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि स्वरोजगार से आप लोगों तक पहुंच करके रोजगार मेले लगा करके कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे उसमें HKRN के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है। तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहां तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया 9,000 रुपया से हमने योजना बनाई ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से काम कर पाएगा। पिछली सरकारों से ज्यादा सरकारी भर्तियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों से ज्यादा हमारी सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में साल 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 15,125 भर्तियां की गई थी। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई थी जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई हैं। रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं, हमने उनको वहां भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की और उन मेलों में उन्होंने जाकर के पुरानी जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बुला करके काम देने की भी बात की है। तो इन सारे प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों को कैसे काम मिल जाए इसका हम लगातार प्रयत्न करते हैं। मित्रों पिछले 9 वर्ष में बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत से रोजगार मिले हैं,
लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका लाभ बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। अब ये अलग बात है कि क्लेम करने में कोई कितना ही क्लेम करे, मैं भी पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात मैं सुन रहा था उनकी बात, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख तो अध्यापक लगा दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कुल 10 साल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती उन्होंने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती की है। उन्होंने नौकरी लगाने का प्रयत्न किया गया होगा, लेकिन उनके सिस्टम इतने खराब थे कि न्यायालय ने भर्तियां रद्द कर दी। कांग्रेस ने गेस्ट टीचर की भर्ती की, लेकिन उन्हें जॉब सिक्योरिटी हमने दी ताकि रिटायरमेंट तक उनकी नौकरियां सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी है जिनकी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 9 वर्षों में प्रदेश में 1889 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। इस दौरान प्रदेश में 49,952 नए उद्योग लगे हैं, जिनमें लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों की युवाओं की प्राथमिकता दी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।